A very good afternoon to all of you. So this is going to be yet another lecture on the urban local bodies and the legislation relating to the regulation of urban local bodies. Basically, इसके अंदर हम दो legislations को discuss करेंगे. Primarily, पहला legislation होगा आपका उत्तर प्रदेश Municipalities Act 1916 और दूसरा legislation would be the उत्तर प्रदेश Urban Planning and Development Act 1973. So today's lecture is going to be all about the Constitution of Development Authority and the Advisory Council, जो discuss किए गए हैं आपके किस legislation के अंदर, the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act 1973 के अंदर discuss किए गए हैं. तो without much ado, let's start with the provisions given in this legislation. Whenever we start any legislation, like we have been doing for last quite some videos, like video lectures, हम किसी भी legislation के beginning में क्या करते हैं, उसके objective, उसके title और उसके enforcement की बात करते हैं, only then we proceed further. Likewise, in this legislation as well, which is the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act 1973, हम सबसे पहले इस legislation का objective देखेंगे. वो objective क्या है? It is an act to provide for the development of certain areas of UP according to the plan and for matters ancillary thereto. Yani, ye act existence mein laya gaya ki hum UP ki kuch areas ko kya kar paayen, develop kar paayen as per the plan which has also been provided in this legislation aur usse jude muddon ke upar development kar paayen, isliye ye legislation picture mein laya gaya. Ab iske piche ke reasons kya hai enactment ke ki जो स्टेट ऑफ यूपी के डेवलपिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर जो टाउन प्लानिंग की प्रॉब्लम है या अर्बन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, इट रियली नीडेड अ सोल्यूशन. एंड जो एग्जिस्टिंग लोकल बॉडीज़ थी या जो अदर अथॉरिटीज़ थी, वो अपने बेस्ट एफर्ट्स या बेस्ट लेजिस्लेशंस इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी इन प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली टैकल नहीं कर पा रही थी. सो दिस लेजिस्लेशन वॉज ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस टू फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड इन दैट सिचुएशन. और स्टेट गवर्नमेंट को ये लगा कि नाउ इन दिस यू नो नीड ऑफ आर वी इट इज़ रियली एडवाइजेबल दैट कि उन डेवलपिंग एरियाज़ के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लाइंस पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को बनाने की बात की जाए. एंड चूंकि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द व्यू जो कि जो अर्बन डेवलपमेंट है और प्लानिंग वर्क है वो ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो इट वॉज़ रियली नेसेसरी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश कर सकें. एंड ओनली फॉर दोज गुड रीजंस व्हाट हैपेंड दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन नेम्ड एज द उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 केम इनटू द पिक्चर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द शॉर्ट टाइटल एंड द एक्सटेंट, तो सेक्शन वन ऑफ दिस लेजिस्लेशन के अंदर ये बात की गई है कि जो एक्ट है इसको क्या कहेंगे हम, उत्तर प्रदेश प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 कहेंगे. ये एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ यूपी, बट ये एक्सक्लूड किन किन चीज़ों को करता है? एक्सक्लूड करता है कैंटोनमेंट एरियाज़ को या ऐसी लैंड को जो कि ओन रिक्विजिशन या लीज पे ली गई हैं फॉर द बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पजेज ऑफ डिफेंस. Now let's talk about the Constitution of Development Authority, जो इस legislation के chapter number 2 में discuss किया गया है, जिसकी heading है the Development Authority and its objective. ये span करता है section 3 से लेके 7 के बीच में. section 3 declaration of development areas की बात करता है, यानी कि इसके अंदर ये कहा गया है कि जो state government है अगर उसको ऐसा लगता है कि any area within the state requires to be developed according to plan, तो वो क्या करेगा, वो ऑफिशियल गजट में इस रिलेशन में क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन देगा दैट द रिलेटेड कंसर्न्ड एरिया इज नाउ कंसिडर्ड एज अ डेवलपमेंट एरिया. फिर सेक्शन 4 बात करता है डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करने के बाद एक अथॉरिटी बनाएगी जिसको क्या कहा जाएगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाएगा फॉर एनी डेवलपमेंट एरिया.
अब जो अथॉरिटी है उसका भी नेचर क्या होगा, बॉडी कॉर्पोरेट होगा, एंड बॉडी कॉर्पोरेट के क्या फीचर्स है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, दे हैव द पावर टू अक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, दे शैल बी स्यूड एंड कैन स्यू इन इट्स ओन नेम, ये कुछ फीचर्स हैं जो बॉडी कॉर्पोरेट के होते हैं। नेक्स्ट इसी क्लॉज में कंटिन्यूएशन किया गया है ये कहते हुए कि जो अथॉरिटी है वो किन मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, कंसिस्ट करेगी। तो लेट्स सी हु विल बी द मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी। तो पहला मेंबर होगा चेयरमैन, दूसरा होगा वाइस चेयरमैन, फिर होगा सेक्रेटरी इन द चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट इन विच बिजनेस रिलेटिंग टू द रिलेवेंट अथॉरिटी इज ट्रांसफर्ड टू, दूसरा सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, फिर होगा द चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर ऑफ यूपी, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जल निगम इस्टेब्लिश अंडर यूपी वाटर सप्लाई एंड सीवेज एक्ट 1975, मुख्य नगर अधिकारी, फिर होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट, फिर होंगे फोर मेंबर्स इलेक्टेड बाय सभासद ऑफ नगर, एंड लास्टली थ्री नॉमिनेटेड मेंबर्स जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। दी अपॉइंटमेंट, जो वाइस चेयरमैन है यहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट विल शैल बी फॉर अल होल टाइम, द वाइस चेयरमैन शैल बी एंटाइटल टू रिसीव फ्रॉम द फंड्स ऑफ द अथॉरिटी, सैलरी अलाउंसेस की बात की गई है, एंड इट विल बी गवर्नड बाय सच कंडीशंस ऑफ सर्विस एज मे बी डिटरमाइंड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। ऑफिसर्स मे डेप्यूट, अब ये जो ऑफिसर्स हैं यानी जो दो सेक्रेटरीज की हमने बात की क्लॉज सी और डी में अंदर, जो चीफ सिटी एंड टाउन प्लानर की बात की और जो MD ऑफ जल निगम की बात की, ये अपनी जगह पे कुछ और ऑफिसर्स को डेप्यूट कर सकते हैं बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी। जो चीफ सिटी एंड टाउन प्लानर है वो ही कैन डेप्यूट द ऑफिसर ऑफ द रैंक टाउन प्लानर, MD ऑफ जल निगम कैन डेप्यूट एन ऑफिसर ऑफ द रैंक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एंड अकॉर्डिंगली जो ऑफिसर डेप्यूट किए जाएंगे दे शैल हैव ऑल द राइट्स टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एंड दे शैल ऑल्सो हैव द राइट टू वोट इन द सच प्रोसीडिंग। अगला क्लॉज ये कहता है कि इन एडिशन टू अबव अथॉरिटीज कुछ और अथॉरिटीज होंगी, चेयरमैन वाइस चेयरमैन 5 से 11 मेंबर्स, जिसमें से एटलीस्ट वन मेंबर शुड बी फ्रॉम म्यूनिसिपल बोर्ड एंड द नोटिफाइड एरिया कमिटी, दे शेल ऑल्सो होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन जो डिटर्मिन किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर के द्वारा। इस प्रोविजन के साथ एक प्रोवाइजो अपेंड किया गया है जहाँ पर यह कहा गया है कि जो वाइस चेयरमैन है या कोई और मेंबर अदर दैन द एक्स ऑफिसियो मे एट एनी टाइम बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्टेट गवर्नमेंट रेजाइन हिज ऑफिस एंड ऑन सच रेजिग्नेशन बीन एक्सेप्टेड he shall be deemed to have vacated office, यानी ये जो proviso है talks about the resignation and the vacancy in the office। अगला जो clause है clause number 8, it talks about कि no act or proceedings of the authority shall be invalid by the reason of the existence of any vacancy or defect in the constitution of authority, यानी हम authority के किसी भी activity या किसी भी कार्यवाही को invalid नहीं कह सकते ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो जो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो डिफेक्टेड मैनर में कॉन्स्टिट्यूट हुई है। देर आफ्टर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट टॉक्स अबाउट स्टाफ ऑफ द अथॉरिटी, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है ये दो सूटेबल लोगों को अपॉइंट कर सकती है एज अ सेक्रेटरी और एज अ चीफ अकाउंट ऑफिसर, जो एक्सरसाइज करेंगे ऐसी पावर्स और दे में परफॉर्म सच ड्यूटीज जो प्रिस्क्राइब की जाएँ बाय द रेगुलेशन और उन्हें जो डेलीगेट की जाएँ बाय द अथॉरिटी और इट्स वाइस चेयरमैन। नोटेबल पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो अथॉरिटी है दे दैट अथॉरिटी में अपॉइंट सच नंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन, एंड दे कैन नॉट जस्ट अपॉइंट सच एम्प्लॉयज ब्रादर दे कैन ऑल्सो डिटर्मिन देयर डेजिग्नेशन एंड ग्रेड्स, बट इट वुड बी सब्जेक्टेड टू कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट अपने किसी स्पेशल या जनरल ऑर्डर के द्वारा लगाए। नोटेबल पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो सेक्रेटरी है या चीफ अकाउंट ऑफिसर है या जो दूसरे ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज जो अथॉरिटी जिन्हें एम्प्लॉय कर रही है उन्हें भी अथॉरिटी के फंड्स से ही क्या किया जाएगा, ऐसे सैलरी और अलाउंसेस दिए जाएंगे जो कि डिटरमिन किसके द्वारा किए जाएंगे, रेगुलेशंस के द्वारा किए जाएंगे इन दैट बिहाफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 5 कैपिटल ए, जिसमें बात की गई है क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज की, यानी स्टेट गवर्नमेंट में एट एनी टाइम और बाय नोटिफिकेशन वो एक या एक से ज़्यादा डेवलपमेंट अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज सर्विसेज बना सकती हैं अदर दैन द पोस्ट जो हमने मेंशन करी हैं। फिर अगर DACS बन जाती है तो कोई भी व्यक्ति
जो सर्व कर रहा है ऐसी किसी पोस्ट पे जो सर्विस में इंक्लूडेड है, तो वो इमीडिएटली बिफोर द क्रिएशन, पर दो लोगों को छोड़ के, ऐसा कोई पर्सन जो गवर्न किया जाता है यूपी पालिका सेंट्रलाइज सर्विस रूल के द्वारा, या ऐसा कोई व्यक्ति जो सर्विस पे है ऑन डेप्यूटेशन, उन्हें क्या कर लिया जाएगा, उन्हें उस सर्विस में न्यूली फॉर्म डीएसीएस में एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा इफ वो ऑलरेडी अपनी परमानेंट पोस्ट पे है, और या तो फिर अगर वो प्रोफेशनली किसी तरह की ऑफिस को होल्ड कर रहा है। तीसरा क्लॉज ये कहता है कि ऑन कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑप्टिंग, ये जो कम्युनिकेशन है, हमें ये जो एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया गया है कि क्या आप अब्जॉर्ब होना चाहते हैं सर्विस में या नहीं, इसकी कम्युनिकेशन ऑफ ऑप्टिंग विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ सच डीएसीएस, जिसके फेल होने पे दे शैल बी डीम्ड टू हैव ऑप्टेड फॉर फाइनल और प्रोविजनल अब्जॉर्प्शन इन द सेंट्रलाइज सर्विसेज। यानी हमने जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया कि आप बताइए कि आप अब्जॉर्ब होना चाहते हैं सर्विस में या नहीं, अगर आप नहीं करते हैं ये, इस बात के रिगार्ड में कोई इंटीमेशन नहीं देते हैं, देन इन दैट सिचुएशन आ ये डीम कर लिया जाएगा कि आप उस न्यूली क्रिएटेड डीएसीएस में अब्सॉर्ब हो गए हैं। देन क्लॉज नंबर 5 सेज कि जो एम्प्लॉय है जिसने ऑप्ट किया है अगेंस्ट अब्सॉर्प्शन एंड इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फाइनल अब्सॉर्प्शन, तो इन्हें दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द कॉम्पनसेशन फ्रॉम द डीएस डेवलपमेंट अथॉरिटी, और वो कॉम्पनसेशन का अमाउंट इक्वल टू होगा किसके, किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय, जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसकी 3 मंथ की सैलरी के बराबर, और अगर वो टेम्प्रेरी एम्प्लॉय था तो उसकी 1 महीने की सैलरी के बराबर का अमाउंट। एक्सप्लेनेशन अपेंड यहाँ पर ये किया है कि सैलरी के अंदर इस तरह के अलाउंसेज इंक्लूड किए जाएंगे, डियरनेस अलाउंस, योर पर्सनल पे और स्पेशल पे, इस तरह के जितने भी एक्स्ट्रा पेमेंट्स आपको किए जाते हैं अलॉन्ग विद योर सैलरी, ये सभी सैलरी का पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 6, जिसके अंदर एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को जब भी लगता है तो वो एक एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी ताकि वो क्या कर सके, वो अथॉरिटी को एडवाइज़ कर सके किन मुद्दों पे, ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर प्लान एंड ऑन सच अदर मैटर रिलेटिंग टू द प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट, और ऐसा कोई मैटर जो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो या फिर इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ हो। अभी जो एडवाइजरी काउंसिल है ये शैल मीट एज एंड व्हेन, जब जब चेयरमैन ये मीटिंग बुलाएंगे तब तक ये मीटिंग होगी एडवाइजरी काउंसिल की, प्रोवाइडेड प्रोवाइजो अटैच क्या किया गया कि जो मीटिंग है शैल बी हेल्ड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, यानी एक साल में कम से कम 2 मीटिंग्स होनी ही होनी है। नाउ लेट्स सी कि इस एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होंगे। चेयरमैन जिसे हम प्रेसिडेंट कहेंगे, चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर प्लस चीफ इंजीनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ यूपी, डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज यूपी और हिज नॉमिनी, एंड नॉमिनी शुड नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डेप्यूटी डायरेक्टर, 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटीज डेवलपमेंट एरिया के और टू बी इलेक्टेड बाय देयर मेंबर्स, द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ यूपी और हिज नॉमिनी नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, चेयरमैन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और हिज नॉमिनी, मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पर वो रिसाइड करते हैं, एंड 3 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें से एक एक मेंबर बिलोंग करने चाहिए लेबर डिपार्टमेंट को और इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट को। फिर अगले कुछ फोर्थकमिंग क्लॉजेज ये कहते हैं कि जैसे हमने यहाँ रेजिडेंस की बात करी कि जहाँ पर अगर उस डेवलपमेंट एरिया में किसी मेंबर ऑफ काउंसिल का रेजिडेंस है या मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के का अगर रेजिडेंस है, तो वो रेजिडेंस आप कैसे डिटरमिन करेंगे, तो रेजिडेंस आप उसी रेजिडेंस को डीम करेंगे जो उन्होंने अपने इलेक्शन नॉमिनेशन के दौरान भरा होगा। अगला क्लॉज ये कहता है जो 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं ये होल्ड करेंगे ऑफिस 3 साल तक के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन to the council, their election to the council, and they shall also be eligible for the re-election. Proviso जो append किया गया है वो ये कहता है कि जो इनका term है that shall come to an end as soon as the member ceases to be a member of the local body from which he was elected. यानी जहाँ पर हमने local authority के members की बात करी है, जैसे ही वो local body का member होने से cease करेंगे वैसे ही उनका यहाँ से भी term ख़त्म हो जाएगा। फिर मीटिंग के लिए हमने ऑलरेडी देखा कि एडवाइजरी काउंसिल की जो मीटिंग है वो तब तब होगी जब जब चेयरमैन के द्वारा बुलाई जाएगी। फिर हमने प्रोवाइजो भी देखा था कि जो मीटिंग है ये एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर होनी ही होनी चाहिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अथॉरिटी, तो
यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, यानी इस अथॉरिटी जो अथॉरिटी हम यहाँ पर बना रहे हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू प्रमोट एंड सिक्योर द डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट एरिया अकॉर्डिंग टू द प्लान, अथॉरिटी के पास पावर होगी इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए। अथॉरिटी के पास पावर होगी क्या क्या करने के लिए, पहला टू अक्वायर, होल्ड, मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी, दूसरा टू कैरी आउट बिल्डिंग, इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड अदर ऑपरेशन, टू एग्जीक्यूट वर्क्स इन कनेक्शन विद द सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, टू डिस्पोज ऑफ सीवेज एंड लास्टली टू प्रोवाइड एंड मेंटेन अदर सर्विस एंड अमेनिटीज। जो प्रोवाइजो है ये कहता है कि दिस शैल नॉट बी कंस्ट्रूड दैट द अथॉरिटी कैन डिसरिगार्ड एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू इंश्योर दीज थिंग्स, यानी जो अथॉरिटी है उसे अपने फंक्शंस के विदिन, अपने ज्यूरिडिक्शन के विदिन ही काम करना होगा, वो अपने फंक्शंस को इंश्योर करने के लिए किसी दूसरे लॉ को डिसरिगार्ड नहीं कर सकती हैं।